हेलो 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 गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू आवर स्ट्रीम। और हम स्टार्ट करेंगे आज एर्थ राउंड के लिए फिडे कैंडिडेट्स 2024 कैंडिडेट्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट। और आज है एर्थ राउंड, और जैसा कि हम देख रहे हैं स्ट्रीम पे, आज का गेम है अलीरेजा फिरेजा वर्सेस प्रज्ञान आर प्रज्ञानंदा, और सेकंड गेम है मुकेश वर्सेस विदित गुजराती, विदित संतोष गुजराती। थर्ड मैच है करवाना फैबियानो यूनाइटेड स्टेट वर्सेस हिकारू नाकामुरा यूनाइटेड स्टेट्स, और फोर्थ मैच है आपका निजात अबासो वर्सेस इयान नेपोमिनाची। अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँगा तो प्लीज माफ कीजिएगा मुझे। और टॉप बोर्ड पे खेल रहे हैं प्रज्ञानंदा और अलीरेजा फिरोजा। जैसा अभी हमने देखा था लास्ट गेम, मुकेश का थोड़ा सा पोजीशन गलत हो गया था और विनिंग गेम उन्हें हारना पड़ा वहां पे। तो आज देखते हैं क्या प्लान रहता है, कैसे खेलते हैं। मुकेश विदित से गेम है, दोनों ही अच्छे शार्प प्लेयर हैं। मुकेश यंग एज के प्लेयर हैं, पोजिशनली भी स्ट्रॉन्ग है और फास्ट गेम खेलने के लिए जाने जाते हैं। विदित का पोजिशन जैसा हम लोग जानते हैं पोजिशनल प्लेयर हैं, और काफी अच्छा गेम खेला है उन्होंने बैक टू बैक, और विनिंग सिचुएशन थी एक दो गेम में जिनमें उन्होंने ड्रॉ से संतोष किया, और विनिंग पोजिशन पे एक गेम लॉस्ट हुआ है उनका देखा जाए। और हिकारूस वर्ल्ड थी से उन्होंने विनिंग पोजीशन गेम खेला था थर्ड राउंड का, जो कि काफी अच्छा गेम था। हमने एनालाइज भी किया था बोर्ड पे और हमने शॉर्ट्स में वो गेम अपडेट भी किया था। ठीक है, आज देखते हैं कैसा रहता है एथ राउंड, क्या जाता है, कौन आता है टॉप स्कोर पे, और हम यहाँ पे एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं यहाँ पे और क्या अभी चल रहा है लीडर बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये पोजीशन है अपनी लीडर बोर्ड की। एपियन नेपो मिन्ना ची जो है वो है 4.5 पॉइंट के साथ टॉप बोर्ड पे। विदित से लूजिंग पोजीशन थी इन गेम में, विदित ने ब्लंडर कर दिया, मिस्टेक कर दिया, और उसके बाद वो गेम वो संभाल नहीं पाए और अल्टीमेटली वो गेम उनको लॉस से सामना करना पड़ा। और सेकंड गेम आपका है फैबियानो करवाना, ग्रैंड मास्टर फैबियानो करवाना सेकंड पॉइंट रैंकिंग पे हैं 4 पॉइंट्स के साथ। 4 पॉइंट्स में बेसिकली तीन प्लेयर्स हैं, टॉप तीन प्लेयर्स में आर प्रज्ञानंद इंडिया और मुकेश डीबी इंडिया के हैं फोर्थ नंबर पे। और 3.5 पॉइंट के साथ जो है देखा जाए तो फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे हिकारू नाकामुरा और विदित संतोष गुजराती हैं, और सेवेंथ पोजीशन पे अलीरेज़ा फिरोजा जो है ग्रैंड मास्टर वो हैं फ्रांस के और ईरान से बिलोंग करते हैं। जिनको नहीं पता हो ये मैं बता दूं, अलीरेज़ा फिरोजा बेसिकली ईरान से बिलोंग करते हैं, बट अराउंड 2021 जो है उन्होंने फ्रांस से अपना फिडे टाइटल चेंज करके रजिस्ट्रेशन करके और फ्रांस से वो गेम्स खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। और लास्ट रैंकिंग पे हैं 2 पॉइंट के साथ निजात अबासो, ग्रैंड मास्टर निजात अबासो अजरबैजान के टॉप प्लेयर्स हैं और काफ़ी अच्छी पोजिशनल चाल खेलते हैं, काफ़ी फास्ट गेम खेलते हैं और काफ़ी टक्कर दी उन्होंने विदित गुजराती और देखा जा प्रज्ञानंदा को। तो देखना पड़ेगा कि आगे का राउंड कैसा जाता है इनका। और कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, अभी 5 मिनट से 10 मिनट से अभी 12:12:05 हो रहा है AM, और 12:15 पे गेम स्टार्ट होगा, और जुड़े रहिए। जो भी डाउट्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे और कंटिन्यू करेंगे अगले राउंड। और देखते हैं टॉप बोर्ड से आज का गेम हम स्टार्ट करते हैं देखना। और ये है हमारा टॉप बोर्ड पोजीशन, 10 मिनट समय अभी वेट करना पड़ेगा, तब तक मैं आपको एक अपना गेम दिखा देता हूँ आज का। अभी मैंने एशियन एलिना ग्रैंड मास्टर से हमारा एक गेम हुआ है जो कि काफ़ी क्रिटिकल गेम था, और अल्टीमेटली वो गेम
पोजिशनली काफी स्ट्रांग रहा और मैं वो गेम जीत पाया क्लासिक में। मैं आपको वो गेम प्रेजेंट करता हूँ और ओके ये गेम था हमारा लाद लाजार्व है रशिया के वर्सेस शुभम श्रीवास्तव चेस वर्ल्ड 360 से और ये गेम था हमारा ओपनिंग पोजीशन ये थी लाइन d4 e6 c6। ये बेसिकली सिसिलियन ओपनिंग का डिफरेंट वेरिएशन आता है और यहाँ पे जब भी e4 पुश होता है तो d5 से अटैक काउंटर देता है ब्लैक ऑफर करता है। इस पोजीशन पे अगर एक्सचेंज करते हैं तो वाइट एक्सचेंज कर लेता है और नाइट इमीडिएटली c6 पे आके बैठ जाता है और बिशप और दोनों ब्लैक बिशप ओपन हो जाता है और वाइट बिशप d4 करके डायगनल कंट्रोल कर लेता है और जोर पड़ने पे नाइट f6 आता है और सेंटर पे पोजीशन अच्छी आ जाती है। ब्लैक बिशप हटने के बाद शॉर्ट कैसल की पोजीशन अच्छी बन जाती है यहाँ पे। ठीक है ये खेला है ये पोजीशन ली है नाइट को g5-4 पे आने से ब्लॉक करना था पोजीशन पॉन पुश करने से रोकने का और सेंटर पे कंट्रोल बनाना था। पॉन मारा नाइट लिया बिशप आया और b6 करके नाइट को रोका बिशप पुश किया नाइट लगाया। यहाँ पे एक मिस मूव हो गई थी क्योंकि सेंटर पे अभी किंग को स्पेस मिल क्वीन को स्पेस मिल गया है। नाइट जब तक f6 पे बैठा था क्वीन आपका जो है वो पुश नहीं हो पा रहा था देखा जाए तो यहाँ पे बट जैसे ही नाइट हटा यहाँ पे और वैसे ही नाइट आ गया यहाँ पे वाइट ने एक सेक्रीफाइस दिया नाइट सेक्रीफाइस मे बी शायद यहाँ पे प्लान रहा होगा कि हम यहाँ से मेड पोजीशन निकालेंगे वाइट के साइड से बट वैसा हो नहीं पाया और ब्लैक ने डिफेंड किया चेस वर्ल्ड ने और रुक g8 रखा और अब देख सकते हैं g8 पे आने पे क्या है कि अब इस फाइल पे अटैक रहेगा नाइट के g2 पे अटैक रहेगा किंग के फ्रंट पॉन पे। अगर आप क्वीन पीछे जाते हो ये क्वीन पीछे आएगा और जोर पड़ने पे ये आगे भी बढ़ सकता है ये पोजीशन पे और अटैक बैक टू बैक लगेगा तो यहाँ पे डिफेंड करने के लिए काफ़ी दिक्कत आ सकती है वाइट को क्योंकि पॉन जरूर ब्रेकेज मिला है वाइट को बट पीसेस काफ़ी बैलेंस है वाइट ब्लैक के और एक्टिवेटेड है और एक पीस डाउन हुआ है वाइट तो उसका सब्स्टिट्यूट हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। नाइट क्रॉस किया और क्वीन एक्सचेंज का ऑफर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे क्वीन जो है क्वीन के पास लिमिटेड ऑप्शन है क्योंकि क्वीन हटेगा और क्वीन जो मैं जैसे कि हमने बताया कि सेंटर पे आ रहा है और g2 के वजह से कभी भी जब क्वीन आएगी तो ये पॉन इसको टेक नहीं कर पाएगा। अगर क्वीन पीछे जाता भी है जोर पड़ने पे ये नाइट आएगा और इस नाइट पे बिशप पे अटैक लगेगा और ये अटैक लगेगा ओके ठीक है यहाँ पे ये पोजीशन आई फिर क्वीन पीछे गया नाइट का अटैक आया ना चूंकि फोर्स है क्योंकि मारना पड़ेगा क्योंकि देखा जाए तो नाइट क्वीन पे भी अटैक कर रहा है इस पे भी अटैक कर रहा है। अगर आप क्वीन बचाते हो तो ये मर जाएगा तो ऐसे में आपको फोर्स है आपको बिशप से नाइट मारना पड़ेगा और ये टेक आएगा।
और हुआ भी, बिशप क्रॉस, क्वीन क्रॉस और रुक सेंटर पे लगाया और यहाँ क्वीन एक्सचेंज ऑफर कर दिया ब्लैक ने। तो ब्लैक व्हाइट के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे चूंकि ये थ्रेड भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो उसको टेक करना ही एक ओनली ऑप्शन था। उन्होंने मार दिया बिशप पे। अब देखा जाए तो ये रुक का थ्रेट आ रहा है e6 के पॉन पे और इसको डिफेंड करने की कोशिश की है। नाइट को एक्टिवेट करना हमारा प्लान था कि नाइट को एक्टिवेट करके एक बार हम इस लाइन से ये लाए और यहां से फिर ये लाए और फिर ये सपोर्ट हो जाएगा और जोर पड़ने पर नाइट इधर भी आ सकता है। प्लस रुक फाइल ओपन हो गई है, रुक रैंक ओपन हो गई है और जोर पड़ने पर रुक भी एक्टिवेट होगा और हुआ भी नाइट आया सेंटर पे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे रुक पीछे करना था, नहीं तो पीस ब्लंडर हो जाता क्योंकि नाइट नेक्स्ट मूव पे यहाँ पे आ रहा है और चेक पड़ेगा और आपका रुक फोकस हो जाएगा। तो रुक को बचाने के लिए यहाँ पे हमने रुक को पहले ही g7 पे रख दिया, पॉन पुश किया उन्होंने, पॉन मार दिया नहीं तो फोर्स आ जाएगा। नाइट चेक आया, किंग को ऊपर लेके गए क्योंकि कॉर्नर में जाने से हमारे पीस वापस से ब्लॉक हो रहे थे और हमने मेजर ऑप्शन सेलेक्ट देखा यहाँ पे कि विनिंग सिचुएशन कितनी है, यहाँ पे पोजीशन कितना सपोर्ट करेगा। रुक लगाया e8 पे, रुक आया h5 पे, नाइट सेंटर पे रखा। यहाँ पे बिशप को नाइट को मारना नहीं चाहिए था क्योंकि वाइट बिशप पीस ऑलरेडी डाउन था वाइट और पीस एक्सचेंज करना थोड़ा सा उसके लिए माइनस होता है इस ब्लॉक के लिए क्योंकि ब्लैक के पास ऑलरेडी दो बिशप अप है और ये कभी भी अटैक जो है डायगनल पे कंट्रोल करेगा और जब भी रुक इधर आएगा तो ये रुक सेंटर पे फोर्स करेगा और बिशप अगर एंटर कर जाता है किसी भी तरीके से अगर फ्यूचर में यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक आएगा यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक के साइड से वाइट पे। और हुआ भी नाइट मारा, नाइट पीछे हटा सेकंड मूव थी और रुक g8 आया और रुक g2 पे देखा जाए तो थ्रेट था तो पॉन पुश किया g3 करके और बिशप से नाइट पे अटैक लगाया गया। अब यहाँ पे नाइट आया, अब प्रॉब्लम ये है कि बिशप आया है तो आप बिशप नहीं मार सकते हैं और बिशप अगर आप छोड़ते हैं या नाइट नहीं हटाते हैं तो बिशप जो है इसको मार सकता है और आप इसको मार नहीं पाएंगे क्योंकि ये फाइल पुश है, पिन है पूरी, ठीक है। ये आया, ये बिशप लगाया है, ये आया, ये नाइट बिशप से सपोर्ट दिया, नाइट आया, नाइट यहाँ से बिशप से अटैक दिया। अब चूंकि फाइल पिन है तो यहाँ पे आप इससे मार नहीं सकते हैं, पुश किया, रुक पीछे गया, बिशप लगा, रुक लगाया, किंग आगे आया, बिशप लगाया, ये यहाँ पे वाइट ने ब्लंडर कर दिया था क्योंकि बिशप e2 के बाद आप देख सकते हैं कि बिशप दोनों डायगनल ये पूरा डायगनल कंट्रोल कर रहा, दोनों रुक पे अटैक है। रुक h4 आया और बिशप इधर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे सिंपली वाइट ने रिजाइन कर दिया क्योंकि आप किसी भी कंडीशन में एक तो ये चेक पोजिशन आ रही है प्लस ये रुक मर रहा है और अगर आप कुछ भी गलते हैं ये चेक आएगा और सपोज आप इसको बचाने की कोशिश करते हैं तो ये चेक आएगा और ये चेक आने के बाद अगर आप इधर जाते हैं तो ये चेक आएगा, आपको रुक फोर्स हो जाएगा और फिर रुक एक्सचेंज हो जाएगा और सिंपली यहाँ पे ब्लैक की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी, एक पीस वर्सेस दो पीस और यहाँ पे क्लियर विन हो जाएगा ब्लैक। तो सिंपली यहाँ पे वाइट ने इस पोजीशन पे रिजाइन कर दिया, काफ़ी अच्छा गेम था और हम कैंडिडेट्स का गेम स्टार्ट होने वाला है, हम वापस से गेम में ज्वाइन करते हैं। बोल्ड वन से स्टार्ट करते हैं आर प्रधानंदा। ओके, गेम क्लॉक स्टार्ट हो गए हैं,
फर्स्ट मूव के साथ क्लॉक स्टार्ट हो जाएंगे। ओके करवाना फैबियानो ने E4 से स्टार्ट किया है, दो बोल्ड स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। विदित गुजराती जो हैं बोल्ड पे आते हैं और पहले मेडिटेशन करते हैं, तो हो सकता है विदित का गेम स्टार्ट होने में एक मिनट का टाइम मिले लगे। E4 E5 नाइट F3 बिशप B5 नाइट C6 ओके फाइनली विदित गुजराती का भी गेम आई थिंक स्टार्ट हो गया है। ओके यहाँ पे E4 E5 नाइट F3 शायद हमने दो बोर्ड पे देखा, यहाँ पे बैक टू बैक सेम मूव आई है। यहाँ पे करवाना वर्सेस कारू नाकामुरा का भी सेम पोजीशन बना है और इस इमीडिएट कैसल कर लिया है। यहाँ पे देखा जाए तो हिकारू ने ओपनिंग कैसल कर लिया है, शॉर्ट कैसल। हे हेलो मीम लॉर्ड, हेलो मीम लॉर्ड, क्या लगता है क्या प्लान है? काफी फास्ट पोजीशंस चल रहे हैं यहाँ पे। विदित ने भी तेजी से यहाँ पे मूव एक्सचेंज किए हैं गुकेश के वर्सेस। मुझे लगता है गुकेश वर्सेस विदित का गेम आज देखने लायक होगा क्योंकि प्रज्ञा के नंदा के अगेंस्ट विदित ने एक लॉस पोजीशन खेल ली थी, विनिंग पोजीशन एवरेज पोजीशन थी, विनिंग अच्छा स्टेक था, रुक एक्सचेंज का ऑप्शन आया था, पॉस पॉन देना उनको भारी पड़ गया था पोजीशन में। यस सर कैंडिडेट्स साल में एक बार आता है, दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रीमिंग लाइव। प्रीवियस फाइव स्ट्रीम्स आल्सो गो लाइव, वी अवेक अराउंड टिल 5 AM। इन लास्ट स्ट्रीम आई स्लीप एट मॉर्निंग 5 AM एंड दैट स्ट्रीम इज टू अराउंड गोस अराउंड 7.5 hours एक्सटेंडेड। I can't able to edit also that video. काफी इमीडिएट मूव्स आई हैं। गुकेश का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा देखने लायक होगा क्योंकि अभी तक D7 पॉन पुश नहीं किया गुकेश ने। नीट लॉर्ड जी आप मैच हमारे साथ दो तो हम तो रात भर जग जाएंगे आपके लिए। एक सर और हमें ज्वाइन करने वाले थे, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं।
where I we are here to just support chess. Support our channel, support Vidit, support Indian chess players, support Indian chess players, cheer up, cheer up. विदित यहाँ सोच रहे हैं सीरियस पोजीशन, कई सारे वेरिएशंस आते हैं यहाँ पे, देखना पड़ेगा। एक ये अटैक की लाइन आती है, सॉरी ये आएगा, ये अटैक आता है लाइन, और ये h5 h3 का ऑप्शन आता है ताकि नाइट को ब्लॉक किया जा सके। शॉर्ट कैसल का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, और बिशप भी एक्टिवेट होता है, नाइट सेंटर पे आएगा। व्हाइट इस पोजीशन पे काफी स्ट्रांग होता है, बट जैसा कि दोनों ही एक्सपर्ट प्लेयर हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या गेम प्ले खेलते हैं यहाँ पे। हेलो सर, ओके वेट, हेलो सर,
डू यू रन अचेस अकेडमी? यस मिमलॉल्ट. हेलो सर, आज प्राग में विदड्रॉ होगा. लेट्स सी, पोजीशन देखनी पड़ेगी क्योंकि अभी विदित सोच रहे हैं नेक्स्ट मूव पे. अभी जस्ट फोर्थ मूव हुई है तो मे बी हो सकती है पोजीशन, क्योंकि विदित और गुकेश काफ़ी अच्छे से एक दूसरे की गेम को समझते हैं और बोथ आर इंडियन प्लेयर्स, तो शायद ही आज का गेम हमें ड्रॉ देखने को मिल सकता है जैसा कि. बट चांसेस नहीं कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि प्रज्ञानंदा वर्सेस विदित के गेम में हमें विदित की को लॉस का सामना करना पड़ा था और तो कह सकते हैं. बाकी प्राग के चांसेस तो हैं, बाकी देखते हैं. अलीरेजा का भी गेम लास्ट गेम में हमें काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन देखने को मिली है, तो लेट्स सी आगे जाके. और आपका क्वेश्चन था मिमलॉर्ड जी, डू यू रन चेस एकेडमी? जी सर, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड करता हूँ और ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं अकेडमी. तो अभी वी आर टेकिंग लेक्चर्स ऑन गूगल मीट एंड जूम क्लास एंड वन टू वन क्लास, ग्रुप क्लास एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेस आर अवेलेबल. हारू, विल वी एवर गेट चेस विथ न्यू फीचर्स? Will we ever get chess with new features? Yeah, definitely. On chess.com there are four player chess and different duck chess and freestyle chess and hai aapka chess 960. So there are many different type of chess structures, chess games. But what 64 squares do, that doesn't do any other kind of chess. So first beam master in 64 squares, then we will discuss about other things, short of things. Haru, where are you from, Haru? You can check chess.com different chess features. There are very many variety of chess games just for enjoyment. Okay, हम game shift करते हैं क्योंकि अभी time लगेगा मुझे लगता है. हम यहाँ पे प्रज्ञानंदा की position एक बार देख लेते हैं. अलीरेजा फिरोजा वर्स प्रज्ञानंदा, sixth move आई है अभी तक. और ओपनिंग के लिए e4. आज हमने देखा है कि लगभग मैक्सिमम टॉप बोर्ड्स पे जो लाइन देखा, हमने विदित का गेम देखा है, हिकारु का गेम देखा और अब प्रज्ञानंदा का देख रहे हैं, सबने e4 से स्टार्ट किया. e4, नाइट f3 और c5, और देखा जाए तो e6 आया है और d4 आया है, सेंटर पे अटैक किया है, सेंटर खुला है, इमीडिएट अटैक लिया है अलीरेजा के फर्स्ट को तेजी से गेम में लाया प्रज्ञानंदा ने. जैसा कि हम जानते हैं कि प्रज्ञानंदा जो है वो नाइट मूव, नाइट की पोजीशन डेवलप करने में काफ़ी माहिर है और नाइट को स्टार्टिंग में यूज़ करने का बेनिफिट होता है. सेंटर पे नाइट सबसे स्ट्रांग होता है, तो सेंटर पे नाइट को कंट्रोल देना और तेजी से नाइट पीस को एक्टिवेट करना एक प्लस पॉइंट है प्रज्ञानंदा के लिए देखा जाए तो. दोनों नाइट को सेंटर पे तेजी से डेवलप कर लिया है. ब्लैक के थोड़े से डार्क स्क्वायर्स वीक लग रहे हैं और व्हाइट बिशप अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाया है, तो मे भी हो सकता है इसका एडवांटेज हमें यहाँ पे देखने को आगे मिल सकता है. और जितने भी व्यूअर्स इस टीम में इतनी रात को हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी रात में, रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉर्निंग 5 AM तक हम ऐसे ही एनर्जी बनाए रखेंगे इस टीम में. और जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके चेस प्लेयर्स हैं, साथ में शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए और सपोर्ट कीजिए. मतलब आई सपोर्ट विद इट, आई ऑल्सो सपोर्ट विद इट मिमलॉर्ड जी, आई ऑल्सो सपोर्ट विद इट. और अंकुश खत्री जी का मैसेज है, हेलो हेलो अंकुश सर, हेलो अंकुश जी कैसे हैं आप? अंकुश सर जो है वो प्रज्ञानंदा के फैन हैं, तो अंकुश सर प्रज्ञानंदा को सपोर्ट कर रहे हैं. मैं ऑल इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट करता हूँ, बट इस कैंडिडेट में मैं टॉप टू बोर्ड्स में फाइनल्स में विदित को देखना पसंद करूँगा.
अभी गुकेश और प्रज्ञानंदा की एज है तो वो आगे भी काफी ऑप्शंस उनको मिल सकते हैं चांसेस है, बट विदित फर्स्ट टाइम इनने बड़े लेवल पे पहुंच पाए हैं और काफी अच्छा कमबैक किया है। और पोजिशनली उनका अगर सारे हम 7 राउंड के गेम देखे, लास्ट 7 राउंड के, तो ही प्लेड वेरी वेल। 2 राउंड ही लॉस्ट जस्ट विद यान एंड प्रज्ञानंदा, बट इन बोथ गेम्स ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग पोजिशनली, बट ही कांट कंट्रोल दी इन गेम पोजिशन एंड ही लॉस्ट। एंड इन लास्ट गेम एज वी सी ही वॉज विनिंग विद निजार, वी डिड एनालिसिस वीडियो, वी मेड एनालिसिस वीडियो ऑन यूट्यूब, यू कैन चेक आवर चैनल। कोनी चीवा कामरेड, इट इज नाइट इन इंडिया नाउ, यस सर, हियर इन हारूजी, हियर इन इंडिया इट्स 12:32 AM, मीन्स रात के 12:30, नाइट 12:30 मीन्स, so we just awake to support chess players of all players can of candidates who are playing in night at this moment, and we are very happy because we Indians are very happy because our 3 top players are playing in candidates tournament this year in male section, and 2 female players also. It's Koneru Hampi, top rated player from India, and second R. Prajnananda's sister, I think Lakshmi, I forget his name, is little bit typical, that's why. Then so R. Vaishali actually. Is it night in India? Yes, it is night. Okay, hum position dekh lete hain ek bar game ki yahan pe. विदित अभी भी पोजीशन में यहाँ पे सोच रहे हैं, काफ़ी सारी लाइन है यहाँ पे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये अटैक आ रहा है और ये नाइट आने के बाद इस पर अटैक आएगा जो काफ़ी अच्छी पोजीशन बनती है, और ये बिशप का अटैक आ रहा है जो कंट्रोल दे सकता है। गुकेश इसके लिए एक्सपर्ट प्लेयर हैं, मे बी वो ऑलरेडी चीज़ों के बारे में सोच चुके होंगे। एंड आई लव हिकारू इन फॉरेन प्लेस, हाँ हिकारू को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, हिकारू हैं और फाबियानो काफ़ी पेशेंट प्लेयर हैं तो उनको काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। तो फॉरेन प्लेयर्स में सब डिफरेंट है, हिकारू का कुछ प्लस पॉइंट है, जैसे मुझे सबसे अच्छा उनका पॉइंट लगा था कि विदित गुजराती से थर्ड राउंड हारने के बाद उन्होंने अपने चैनल पे जाके उस गेम को एनालाइज किया और उन्होंने बताया कि उससे क्या गलती हुई और कितना अच्छा पोजिशन था, विदित ने कितने अच्छे से गेम खेला। तो दैट थिंग इज लाइक मीन्स एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है दैट ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स ऑल्सो, एंड ही कारू एनालाइज हिज टोटल ऑल गेम ऑन हिज चैनल, दैट्स अ गुड थिंग फॉर चेस लवर्स बिकॉज दे कैन लर्न फ्रॉम हिज चैनल एंड एनालिसिस। या ही कारू इज अ गुड प्लेयर एंड गुड पर्सन ऑल्सो। Who is your all-time favorite chess player, meme lord? In India or in from foreign, if you want to rank someone. हम एक बार अबासो निजात और यान का गेम देख लेते हैं। ओके, पीस एक्सचेंज हुए हैं और 11th मूव आई है, ये अपनी खेली थी देखा जाए यान ने। आज हमने जितने भी बोर्ड्स देखे हैं E4 ओपनिंग ही आई है चारों बोर्ड पे, और E4 E5 देखना होगा कि इन गेम्स के रिजल्ट क्या होंगे, ये बहुत बड़ा लेसन होगा चेस प्लेयर्स के लिए, लर्निंग स्टडी भी आएगी कि सेम टाइम में टॉप बोर्ड्स जो है वो सेम ओपनिंग से खेल रहे हैं और क्या डिफरेंट रिजल्ट देखने को हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत बड़ा एनालिसिस भी होता है, लर्निंग भी होती है। और हिकारू बिकॉज ऑफ हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी, यस हाँ हिकारू की बहुत सारे प्लस चीज़ें हैं, बहुत सारे डिफरेंट हैं प्रोस्पेक्टिव, और कई सारे इस समय इस टाइम पे कई सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, जब से कोविड के बाद से काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हुआ है चेस प्लेयर्स का नॉर्मल उनकी लाइफ का, और गेम एनालिसिस और यूट्यूब से काफ़ी सपोर्ट मिला है यूट्यूब एनालिसिस से आफ्टर कोविड।
हारू वेयर आर यू फ्रॉम, हारू हारू जी वेयर आर यू फ्रॉम, कोंची कावा कामरेट, यू आर फ्रॉम थाईलैंड और समवेयर, आई डोंट नो. He is number one streamer and number three player. Yes, Hikaru is number one streamer, no doubt. Gautam Chanchan, there are some other streamers, but as a grandmaster, he is the top and best streamer, I can say. Yes. World number three player, and he streamed his own game after losing. So what do you expect from a grandmaster? Like, we are here without playing, we just discuss the game and players, things, different things, their life, their personality, their game, their stream, their channel, their game analysis, and they play 5 hours continuous, full pressure, and after losing. Yes, sportsmanship, sportsman spirit. Yes, Hikaru has that. Ian is little bit like, his expression is like, I don't care what happens, what doesn't happen, I don't care. He wants just control, win and something. Fabiano is like, he's a simple, sure person. Okay. Okay, I think Vidit did made a move after that. Okay, Vidit did short castle, and Gukesh pushed S6 pawn. So the, to control this knight and bishop, G5 block. Maybe he'd want to push in future this G7 pawn. This may be the move. Where are you from, Mimlord? You are from India, no? Maybe, I don't know, where is Haru, is still in this stream or he just left? No one, Lord. Hello, Anku sir. Are you still watching? Meme Lord Pune. Yeah, okay. I was once in Pune for a short visit. That is a amazing city, I can say. Lonavala, Khandala and... I don't know what Gandhi Bhavan, I think Gandhi or Nehru Bhavan, something. Someone offered me to visit there, but I can't. Okay, हम प्रज्ञानंदा के गेम पे आते हैं. प्रज्ञानंदा के गेम में काफी पोजीशंस आई हैं. नाइट एक्सचेंज हुआ है. सेंटर के नाइट को डैमेज कर दिया प्रज्ञानंदा ने, और पॉन एक्शन के बाद उनका प्लान होगा नाइट को बैक आना है. D4 पे बैठा दिया नाइट को. अब अगर पॉन पुश होता है सपोज, तो नाइट सिंपली इधर आके बैठ सकता है, और जोर पड़ने पे बिशप और नाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है, और जोर पड़ने पे नाइट E5 भी आ सकता है. मतलब नाइट का सेंटर पे काफी सारा देखा जाए तो वेरिएशन आ रहे हैं. काफी प्लानिंग किया हुआ है. अभी तक शॉर्ट कैसल नहीं किया है प्रज्ञानंदा ने. मे बी वो सेंटर पे किंग को रखना चाहते हैं लंबे समय तक, ताकि क्लियर विजन ना मिल पाए अलीरेजा को कि किधर टारगेट को लेके जाता है. आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी वाराणसी, बट आई लिव फ्रॉम मेनी इयर्स इन इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर एमपी. बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी.
हम देखते हैं एक बार हिकारू का गेम। काफी अच्छा कंट्रोल किया हुआ है सेंटर पे। फाबियानो जैसा कि पोजिशनल खेलने के लिए प्रसिद्ध हैं एज वी नो लाइक विदित गुजराती, और काफी आराम से पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। दोनों नाइट को धीरे धीरे से देखा जाए तो एफ और जी फाइल पे बैठा दिया है, लाके एफ और जी 6th रैंक पे। हाँ आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे हिकारू को दिक्कत हो सकती है, पीसेस को बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूव्स आ रही हैं। फाबियानो ने काफ़ी तेजी से पीसेस को डेवलप किया है। इफ अगर नाइट यहाँ पे आता है तो बिशप के पास एक मूव आएगी, ये आना, ये मूव आ सकती है। नाइट को यहाँ भी रख सकते हैं, ऑप्शंस हैं अभी, बट थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे हिकारू को। थोड़ी डिफेंसिव पोजीशन हो गई है देखा जाए तो। थोड़ा सा यहाँ पोजीशन कैलकुलेटिव है तो ध्यान से गेम को कंट्रोल पे लेना पड़ेगा। विदित काफी समय लेते हैं मूव खेलने में। ओके, प्रज्ञानंदा के गेम पे हम आए हैं। अलीरेजा सेंटर पे कोई ऑप्शन नहीं देना चाहते क्योंकि जानते हैं प्रज्ञानंदा सुपर ग्रैंड मास्टर है, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मीम लॉर्ड जी, आप क्या मतलब मीम्स बनाते हो? आपने मतलब ऐसा टाइटल रखा है।
पटेल निशित, हेलो हेलो निशित, हेलो वन, कैसे हो आप लोग? निशित सर कहाँ बिजी हैं आप? आप तो मिलते ही नहीं आजकल। इज दिस ऑफिशियल चैनल? नो सर, दिस इज नॉट ऑफिशियल चैनल, दिस इज माई ओन चैनल एंड आई एम डूइंग गेम एनालिसिस ऑफ कैंडिडेट्स 2024, ऑल फोर बोर्ड्स वन बाई वन। Used to watch a lot of memes in lockdown. Used to watch. Okay. विदित का मैच दिखाओ। Okay. विदित का मैच। हम जस्ट अभी विदित का ही मैच देख रहे थे। पोजीशन ब्लॉक थी। जस्ट अभी मूव चला है। Okay, विदित ने। Okay. शॉर्ट कैसे लाया था? Okay. ये मूव था। और e4 चला विदित ने। और बिशप c5 करके गुकेश ने कंट्रोल लिया सेंटर पे। विदित इस पॉन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जैसा कि अभी हमने इससे पहले बात की थी कि ये पॉन पुश हो सकता है और वही हुआ। उसको पहले ही कंट्रोल करना कर लिया है विदित ने। जैसा कि हम पहले भी अपने स्ट्रीम पे यहाँ पे बात कर चुके हैं कि विदित जो है काफी हद तक मैं विदित के दिमाग को समझता हूँ। तो एज वी टॉक बिफोर, विदित ने a4 चला और बिशप आया। अब बिशप का प्लान जो है सेंटर पे पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है और अभी तक बुकेश ने कैसल नहीं किया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन देखने वाली होगी क्योंकि अभी जस्ट सिक्स्थ मूव आई है। देखना पड़ेगा कि ये गेम अभी किस लाइन पे जाता है क्योंकि सेंटर पे अभी काफी सारे मूव्स आने बाकी हैं। पीसेस अभी डेवलप हो रहे हैं क्योंकि बिशप के लिए ये पॉन ऑलरेडी ये ब्लॉक रोक दिया है ब्लैक ने h6 पुश करके। तो ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या खेलते हैं। विदित का गेम अभी तक तो पोजिशनल है क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी हमें मिडिल गेम तक वेट करना चाहिए। और मुझे पता नहीं को लग रहता है कि आज का ये गेम शायद ड्रॉ नहीं हो सकता है मे बी, क्योंकि दोनों ही प्लेयर काफी स्ट्रांग है और एक दूसरे की बेसिक प्ले को समझते हैं। और लास्ट गेम में प्रज्ञानंदा के अगेंस्ट क्या हुआ था कि विदित ने पोजिशनली स्ट्रांग थे बट दो पॉन उनको डाउन देना वो थोड़ा सा भारी पड़ गया। वो कुछ अलग स्टाइल में प्रज्ञानंदा के अगेंस्ट खेलना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद वो वेरिएशन निकाल लेंगे बट प्रज्ञानंदा ने चांस नहीं दिया और जो पॉन का प्लस था एंड गेम में रुक एक्सचेंज रख दिया था उन्होंने और पॉन प्लस होने की वजह से प्रज्ञानंदा विनिंग पोजिशन में आ गए थे और विदित को रिजाइन करना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि आज विदित ऐसी कोई पोजिशन देने वाले हैं। और गुकेश का जैसे हमने प्रीवियस लास्ट गेम देखे, लास्ट गेम अभी वो हारे हैं, उसके पहले या तो वो गेम को विनिंग पोजीशन तक लेके गए हैं या तो इक्वल पे ड्रॉ या ब्लॉक किया है गेम को। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये गेम अभी मिडिल गेम तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता और फिर भी मुझे चांस लगता है कि आज का गेम ड्रॉ हो सकता है विदित वर्सेस गुकेश का। एज हाफ ऑफ द राउंड्स आर ओवर, डिसाइसिव रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट नाउ। यस, डिसाइसिव रिजल्ट इम्पॉर्टेंट हैं बट मुझे नहीं लगता कि डिसाइसिव रिजल्ट के चक्कर में प्लेयर्स अपना अब गेम खराब करना चाहेंगे क्योंकि ड्रॉ तो बैक टू बैक रोज ही हो रहे हैं। कल 3 राउंड देखा जाए तो ड्रॉ हुआ, केवल एक राउंड का रिजल्ट आया। सॉरी, परसों के गेम में, कल तो ऑफ था, ऑफ से डे था हमारा, तो कह नहीं सकते क्योंकि प्लेयर हाफ पॉइंट भी जो चेस टूर्नामेंट होते हैं वहां पे ड्रॉ इज ऑल्सो रिजल्ट बिकॉज इफ यू लोज देन यू गेट अ जीरो जीरो पॉइंट बट इफ यू एटलीस्ट गेट गेट अ ड्रॉ पोजिशन देन यू यू गेट अ इक्वल हाफ पॉइंट्स। सो आई नो इट्स नॉट टू मच बट फ्रॉम अदर सिक्स प्लेयर्स इफ थ्री विन थ्री लूज एट दैट डे यू एटलीस्ट गेट हाफ पॉइंट। सो एट दैट मोमेंट यू आर इन अ पोजिशन प्लस पोजिशन, सो ड्रॉ इज ऑल्सो अ रिजल्ट। और हम जैसे क्लास में ये चीज सिखाते हैं, बच्चों को भी बताते हैं कि ठीक है आप गेम बेस्ट खेलो, अपना गेम को एंजॉय करो, बट अगर कभी भी ऐसी चांस बनते हैं कि विन के अलावा सेकेंडरी ऑप्शन बनता है ड्रॉ का, तो आप ड्रॉ को का एक ऑप्शन लेके चलो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ड्रॉ भी एक रिजल्ट होता है। आप अगर गेम लूज नहीं करते हो तो उसका एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है अक्सर। बाल थोड़े लग रहा है, रात के माहौल में थोड़े से अलग से ही हो गए।
as half of the round pragnananda versus vidit ho gaya already pragnananda versus vidit ho gaya already ha wahi pragnananda versus vidit mein pragnananda jo hai wo win ho gaye the vidit loss lose ho gaye the position aur aaj jaisa ki gukesh versus vidit ka game hai क्योंकि 7 राउंड होते हैं हर प्लेयर एक दूसरे से शायद 2 बार खेलता है आई थिंक एज आई नो तो 12 राउंड आई थिंक हो जाते हैं 12 राउंड के बाद और 2 राउंड जो होते हैं सेमीफाइनल और फाइनल्स जो होते हैं वो टॉप 4 बोर्ड्स खेलते हैं टॉप 4 प्लेयर्स खेलते हैं और उसमें जो होता है सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए और फर्स्ट और सेकंड के लिए आता है और अल्टीमेटली फाइनल्स में जो हाईएस्ट पॉइंट बनाता है फिर वो जैसे कि पता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो करंट चैंपियन है उसको चैलेंजर के बन के उसको चैलेंज करता है नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन टू बी द नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन तो डिंग लिलेन को चैलेंज मिलेगा देखते हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विदित सर चैलेंजर में जाएंगे ओके विदित का मूव ओके बिशप के बाद ब्लैक बिशप ने e3 व्हाइट बिशप ने e3 मूव किया था और ब्लैक ने d6 से सेंटर खोल लिया और नाइट d2 आया है सेंटर कंट्रोल करने की कोशिश की है विदित ने थ्री फोर मूव्स मैं कह सकता हूँ कि जब एकदम पीसेज एक्टिवेट होते हैं तो 7 × 2 = 14 rounds यस टोटल ईच प्लेयर्स मैचेस विद अदर सेवन प्लेयर्स ट्वाइस 7 × 2 = 14 rounds यस मिमलॉर्डी आप लॉर्ड जी आप क्या मतलब चेस प्लेयर हो चेस लवर हो या जस्ट मतलब एंजॉय कर रहे हो इस टीम और ऐसे मतलब आप का क्या मतलब आप गेम खेलते हो chess.com लीचेस या ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है देयर इज नो फाइनल इन दिस टूर्नामेंट द वन हु या हु सोलो लीड ही विल बी द फाइनलिस्ट फाइनल चैंपियन ही विल डिक्लेयर एज फाइनल चैंपियन ऑफ कैंडिडेट्स Yeah, just like other normal tournaments. Now, like other normal tournaments, generally 9 or 11 rounds happen in classical format. And who leads the top points in the whole tournament, he will be the tournament champion. So, here is also the same 14 rounds. Who will get the maximum point after round 14, he will be the champion of the tournament. And he will directly goes to the world championship and challenge the current world champion. Okay. मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा गुकेश टाइम लेंगे और ऑलरेडी टाइम में प्लस है 25 मिनट्स तो टाइम को प्रॉपर एनालाइज करना चाहेंगे यूटिलाइज करते हुए पोजीशन देखना चाहेंगे जस्ट लवर एंड फॉलोअर ओके ग्रेट आफ्टर अ कोविड और फ्रॉम बिफोर कोविड एरा we have to visit on Pragnananda's game because there are so many players and lovers just lovers who are more interested in Pragnananda's game okay pawn push aaya tha as we discussed here pawn push aaya c5 pe aur knight back aaya jaisa ki humne discuss kiya tha center pe knight e7 rakha
ये लाइन नहीं आना अभी सही नहीं रहेगा। आई थिंक ये मूव आ सकती है क्या? कई सारे वेरिएशन आ रहे हैं, थोड़ी सी पोजीशन देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। से मिडिल अभी ओपनिंग लाइन चल रही है तो मिडिल गेम तक पहुँचने के लिए आपको ओपनिंग पे बहुत फोकस करना पड़ता है। If anyone has any doubt related to tournament or candidates or any other thing related to chess or maybe something else, he can directly message or comment here in chat box. Because we have so much time here, it's around 1 AM night, and I think game will go around till around 4:30 or 5 AM, so we have minimum 4 hours from here. And as we know, just that chess players are so slow here, and they calculate too much, so sometimes chess feels boring also for players, personal people who don't understand the position so much. It is a part of the game because chess is a brain game, and you have to calculate the position in every different manners where possible move can be happen from opposition and also from your side too. And don't forget to subscribe channel, everyone who is watching here, to support chess and to support us also. And we are planning to stream proper be scheduled class on YouTube, maybe between candidates also and after candidates on regular or alternate classes for YouTube viewers, so they can learn from our streams and analyze the games also. There are many questions related to chess tournaments. We are planning to make some videos for the tournaments related queries. So if you have also some doubts or questions related to tournament or chess, you can ask directly to me in comments. आई थिंक ब्लैक यहाँ पे किंग को सेंटर पे रोकना चाहेगा अभी,
क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट कैसल करने के साथ जो है कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं। या तो पहले यहाँ पे पॉन एक्सचेंज कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और नाइट जब जगह बदलता है यहाँ से, या पॉन पुश होके नाइट यहाँ आता है, तो नाइट काफी अच्छा कंट्रोल लेता है 5th रैंक के आसपास। तो ब्लैक को यहाँ पे मूव करने में दिक्कत आती है, और अटैक के ऑप्शंस थोड़े व्हाइट के लिए फेवरेबल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेके सोचना पड़ेगा। व्हाई वुड नॉट द काउ बॉय प्ले चेस एंसर ही वॉज अफ्रेड ही वुड लूज हिज हॉर्स। गुड वन, गुड वन मीम लॉर्ड जी। बट आंसर भी, क्वेश्चन भी आप ही ने दिया, आंसर भी आपने दिया। बढ़िया क्वेश्चन था, मैं तो आंसर नहीं दे पाता शायद। ओके, कैसल कर दिया है यहाँ पे गुकेश ने। व्हाई आर आर्टिस्ट सो बैड एट चेस? व्हाई आर आर्टिस्ट सो बैड एट चेस? आई डोंट नो व्हाई आर आर्टिस्ट सो बैड एट चेस, बिकॉज दे कांट रन हॉर्सेस, दे कांट डोंट नो हाउ टू रन हॉर्सेस। बट आई लाइक प्राग सिक्स्थ मूव बिकॉज दे लाइक टू ड्रॉ। ओके ओके, बिकॉज दे लाइक टू ड्रॉ। ओके, नाउ गेट इट। बट आर्टिस्ट आर, आई थिंक म्यूजिशियंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिस्ट, एंड आई थिंक, बट हाँ, प्रेफरेबली ड्रॉइंग एंड ड्रॉइंग आर्टिस्ट आर मेन पर्सन्स। ओके, दे आर म्यूजिशियंस आई थिंक। ओके, आई लाइक प्राग सिक्स्थ मूव। ओके, प्राग सिक्स्थ मूव। ओके, हम विजिट करते हैं एक बार प्राग के गेम पे, और काफी स्लो गेम चल रहा है अभी, देखना पड़ेगा। यस, प्राग्स नाइट B5 मूव इज रियली गुड। वी डिडंट एक्सपेक्ट इज इट दिस मूव इन सो अर्ली, बट यस, ही फोर्स्ड दी क्वीन टू गो ऑन B8, एंड एट दिस पोजिशन ही सिंपली एक्टिवेटेड फर्स्ट हिज वाइट बिशप एंड ओपन दी पोजिशन फॉर किंग फॉर शॉर्ट कैसल। एंड वेन ब्लैक फोर्सेस A4 पॉन, A6 पॉन, देन ही फर्स्ट टेक्स दी नाइट ऑन C6 एंड जस्ट यूज हिज नाइट बैक टू D4। And when push, he simply back his knight to f3 and developed the position. So yes, that position move is really, we didn't expect that kind of move on candidate's 8th round, because from here it's around how much, many 5 rounds remain, 8 no 6 round, 9 10 and 4 round separately. I'm name not because they like it. Okay, I continue to read the same message again and again, and okay, no one else is doing commenting here. Where is Ankush? Where is Rishabh? And where is Prajwal, Amesar, everyone? Maybe they are
स्लीपिंग ओके अमेसर सर इज प्लेइंग इन द इन इंदौर ओपन टूर्नामेंट सो ही इज बिजी टुडे सो आई डोंट थिंक ही विल कम टू जॉइन अस एंड अंकुश सर वाज इन मे बी ही वाज सो टायर्ड सो मे बी ही इन गुड स्लीप नाउ अंकुश सर इफ यू आर वॉचिंग अस से हाय और just flag here okay come to Vidit's game okay next move has just c3 pushed by Vidit and Vidit don't want to be black to come on this position and control the center block and get this file if pawn cross this file and this pawn can be possible in future moves so he didn't want that move so he pushed just pawn हेलो अंकुश सर वी मिस्ड यू अलॉट मीम लॉर्ड जी इज गिविंग अस सम पजल्स वी आर अनेबल टू आंसर हिम सो वी माइट वी वांट सम इंटेलिजेंट पर्सन अमंग अस हु कैन आंसर मीम लॉर्ड्स क्वेश्चंस यू नो मी आई एम नॉट दैट वेल इन पजल्स एंड क्वेश्चंस reasoning actually the last one was really good why are artists so bad at chess because they like to draw yes wo draw hi karte reh jayenge games ko kitni deep meaning hai isme drop draw 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 pragdhananda r pragdhananda is in we are going to see the position of r pragdhananda just now where is r pragdhananda okay this is the position okay here short castle after knight अगर किसी को यहाँ पे ब्लैक की साइड से मूव चलना होगा तो वो क्या चलेगा अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अलीरेज़ा की साइड से क्या मूव पॉसिबल है निशित जी और अंकुश जी मिम लॉर्ड और अदर व्यूअर्स आल्सो कैन कमेंट हियर विदित निशित जी में भी आई थिंक अरे ओके टुमारो इज संडे दैट्स व्हाई यू आर हियर skipping speaking skipping or sleeping sleeping okay sir all the best good night to you
आपको सपने में देख रहा हूँ. ओके, बेस्ट वे टू स्पेंड वीकेंड. बेस्ट वे टू स्पेंड वीकेंड, यस. निशित सर इज ऑल्सो अ चेस प्लेयर, फेडरेटेड चेस प्लेयर, एंड अंकुश सर इज ऑल्सो अ फेडरेटेड चेस प्लेयर. In comments, there are many rated players and love chess lovers also. Okay. Bishop move came and. I think h3 may be possible, but this may be problem, maybe the problem. Or black bishop first move here, can move here, or yes, he can move here. There are some options for Pragyananda. This will be attack, in on attack. This